देशभरनी अंदर राम मंदिर ने लईने लोकोमां एक उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। लोको अनेरी रीते उत्साह जे मनावी रह्या छे, त्यारे सूरतनी अंदर एक जे टेक्सटाइलना व्यापारी द्वारा एक जे राम मंदिर टोपी छे ते बनावामां आवी छे अने जे ऑर्डर छे ते मळी रह्या छे। आखी आ जे राम टोपी छे कई रीते बनावामां आवी छे, कई रीते तेनी डिझाइन जे बनावामां आवी छे अने कई रीते ऑर्डर मळी रह्या छे, तो आपणी साथे जे उद्योगपति छे लक्ष्मीपतिना जे संजयભાઈ તેમની સાથે વાત કરીશું। संजयભાઈ किस तरीके से ऑर्डर मिल रहे और किस तरीके से ये टोपी की डिज़ाइन बनाई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 500 साल बाद रामलला अयोध्या में वापस अपने घर में विराजमान हुए, तो इसी उपलक्ष में जब पूरा देश जो है लगा हुआ है कि इस राम वर्ष को हर्षोल्लास के साथ में मनाना है, तो इसी उल्लास के अंदर हमारे भी डिजाइनरों ने एक टीम बनाई कि भाई इसके लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना हम जो है भगवान राम की जो है इस यादगार में कि जो 500 साल बाद के लिए कि भी जब 500 साल बाद भगवान राम आज विराजित हो रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। बाकी सब चीज़ें इधर उधर हो जाएगी, लेकिन टोपी एक ऐसी चीज़ है कि जो है हर तरीके से लोग काम भी ये ले सकेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसको ले सकेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस टोपी को बनाया और आज हमारे पास में पूरे देश से धार्मिक संगठनों की ओर से, धार्मिक संस्थानों की ओर से इंक्वायरीज आ रही है और हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने 2 लाख टोपी और 2 लाख राम ध्वजा बनाने का उत्पादन करके हाथ में रखा है। ये फर्स्ट प्राइमरी हमने स्टेज पर किया, इसके बाद में हम लोग और भी जैसे जैसे हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करने में सक्षम हैं। आपके लिए डबल खुशी की जाएगी क्योंकि राम मंदिर प्रतिष्ठा में आपको आमंत्रण दिया गया है और आप राम मंदिर की टोपी बना के लोगों को सिर पे पहनाए। जी, मेरे लिए मेरे पूर्वजों के जरूर कोई अच्छे पुण्य कर्म है कि मेरे को ये दोनों अवसर प्राप्त हुए हैं कि मुझे राम मंदिर जाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और मुझे ये राम टोपी बनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और राम ध्वजा बनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। लोगों को क्या संदेशा देंगे क्योंकि इस टोपी में राम मंदिर और राम अयोध्या का जो चिन्ह बना गया है, तो किस तरीके से इसका मान सम्मान रहे लोगों का? अपील मेरी सभी राम भक्तों से अपील है, अगर वे टोपी ये लगा रहे हैं तो इसका पूरा मान सम्मान रखें, किसी की भी धार्मिक भावना आहत ना हो, इसको इधर उधर ना फेंकें। जब भी आपके परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, कोई भी अच्छे कार्य हो रहे हो, आप ये टोपी पहनकर बैठे तो समझिए कि आपको भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। संजयભાઈ જે રીતે જોઈ શકાય છે કે રામમય એક ટોપી છે તે તૈયાર કરવામાં આવી છે, અત્યારે 2 લાખથી વધુ જે ટોપી છે તે કંપનીની અંદર જે બનવાની તૈયાર થઈ ચૂકી છે। 22 તારીખે અયોધ્યાની અંદર જે રીતે રામમય ભક્ત માહોલ જે જોવા મળશે તેની અંદર લોકો છે વધુને વધુ આ ટોપી પહેરી અને તેની અંદર જે ભાગ લે તે માટેની જે વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી રહી છે। કેમેરામેન સંજય ચંદલ સાથે બલદુ સુથાર, TV9 સુરત।